मैं आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हमारे पीएमओ में मंत्री हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इस पहाड़ी क्षेत्र के लिए बहुत बड़े प्रोजेक्ट बहुत बड़े काम किए हैं, जिसमें सबसे पहले मैं डोडा मेडिकल कॉलेज कठुआ उधमपुर में 3 मेडिकल कॉलेज उन्होंने सेक्शन करवाए, उसके बाद आईटीआई कॉलेज डोडा में, उसके बाद डिग्री कॉलेज हमारे जो बहुत दे रही ना हमारे लोगों की डिमांड थी डिग्री कॉलेज मरम्मत और डिग्री कॉलेज कास्तीगढ़ में, केवी स्कूल गुंदों में और केवी स्कूल जोधपुर में जो अभी फंक्शन कर रहे हैं, और उसके बाद पोस्ट ऑफिस की ब्रांच गुंदों में जो बहुत देरी ना मांग थी लोगों की जिसके लिए लोग तड़प रहे थे, तो वो भी गुंदों में उनने सेंक्शन करवा दी। एसबीआई की ब्रांच जो लोगों के बेचारों को एसबीआई अकाउंट खोलने के लिए गुंदों से डोडा आना पड़ता था, बहुत दूर दराज एरिया से डोडा आना पड़ता था, उनको वहां पे कोई ब्रांच नहीं थी, वो भी डॉक्टर साहब के प्रयास से वहां पे ब्रांच फंक्शन कर रही है। यहाँ पे बहुत बड़ा एक पुरानी डिमांड थी जो सुध महादेव मरम्मत का टनल था, उसको भी सेंक्शन करवाया और मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी ही उसपे काम शुरू होने वाला है। दूसरा टनल हमारा छत्रगला वाला टनल था जो सीधा बनी बिसोली को मिलाता है भद्रवा से, तो वो भी जल्दी से जल्दी शुरू होने वाला है। उसके बाद हमारा ये जो खलेनी मरम्मत रोड थी उसको भी हाईवे सेक्शन करवा दिया। हमारे ठाट अपने अस्तर से लेके ठाठरी तक जो दरियाई चिनार के ऊपर 5 ब्रिज जो बहुत बड़े पैसा सेक्शन करवा के उन्होंने यहाँ पे वो भी ब्रिज बनवा दिए, सारे ब्रिज आज की डेट में भी फंक्शन कर रहे हैं। बहुत सारी रोड है हमारी सीआरएफ में नवाड में जिनमें बहुत करोड़ों अरबों खरबों के हिसाब से पैसा सेंक्शन करवाया, आज हमारे पूरे गांवों में कनेक्टिविटी रोडों की डॉक्टर साहब के प्रयास से किसी भी गांव कोई भी गांव हमारा ऐसा खाली नहीं रहा है जिस गांव में हमारी कनेक्टिविटी नहीं है, हर गांव में हमारी रोड बिल्कुल घर घर तक जा रही है, डॉक्टर साहब का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। अपने भद्रवा में एक आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्लांट जो बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण कामयाबी है जिसको पूरे भद्रवा से पूरे जम्मू कश्मीर में हमारी आयुर्वेदिक दवाई जो यहाँ पे बनेगी और पूरे जम्मू कश्मीर में यहाँ से जाएगी उसका भी प्लॉट हमने एक सेंक्शन करवा दिया है। हमारे केरू प्रोजेक्ट जो बहुत देर से पड़ा हुआ था केरू प्रोजेक्ट को सेंक्शन करवाया, वहां पे पकड़दूर प्रोजेक्ट को सेंक्शन करवाया और आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आयुष्मान भारत के तहत जो गोल्डन कार्ड बनवाए गए 5 लाख रुपए एक गरीब इंसान को बहुत बेचारे को मदद मिलती है, वो भी डॉक्टर साहब के प्रयास से यहाँ पे कार्ड बनवाए गए और उन्होंने बहुत प्रयास किया कि गरीब गरीब तक के फायदा पहुंचे। उसके बाद एमजी नरेगा का जो पैसा काफी देर से पेंडिंग पड़ा था उसको भी डॉक्टर साहब ने एकदम से सेंक्शन करवा के अब लोगों को वो पैसा मिलना भी शुरू हो गया। एयरपोर्ट हमारा जो किश्तवाड़ में है एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट जो उड़ान के तहत बनने जा रहा है वो भी डॉक्टर साहब के प्रयास से सेंक्शन हुआ। यहाँ पे लोगों को गैस जो उज्ज्वला स्कीम थी घर घर लोगों को आज फ्री, जो बेचारे गरीब लोग थे जो गैस नहीं खरीद सकते थे उनको भी वो गैस फ्री दिलवाई गई। अभी इस कोविड-19 में हर किसी को 3-3 महीने की गैस फ्री दी गई, 3-3 महीने का राशन फ्री दिया गया, किसान निधि योजना स्कीम में उनको उनके अकाउंट में पैसे डाले गए, और जो हमारे बेचारे ओल्ड एज पेंशन वाले लोग थे जिनको 200 रुपए पेंशन मिलती थी उनको 1-1,000 रुपए पेंशन का करवाया, और SRO 202 जिसको अभी पिछले दिनों डॉक्टर साहब ने प्रयास करके उसको रिवोक करवाया उससे अनएम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे बहुत बड़ा फायदा हुआ। हम कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से प्रयास करेंगे कि अभी कुछ चीजें जो हमारी यहाँ पे रुकी पड़ी हैं तो उनको भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उधमपुर में हमारी देवता जो एक बहुत बड़ा स्थान है उसके लिए 190 करोड़ प्रधानमंत्री की योजना स्कीम से उन्होंने 190 करोड़ रुपया सेंक्शन करवाया और उस काम को शुरू करवा दिया है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने अपने नए कैंपस बनवाए और बच्चों के लिए हॉस्टल क्या करवाए उसमें भी डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे कटरा में भारत वंदे जो ट्रेन है उसके भी इनोग्रेशन ने करवाई, और उसके बाद एक और कटरा में जो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया हुआ है वो दिल्ली कटरा एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर 3 साल में कंप्लीट करवाई, ये भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था लेकिन डॉक्टर साहब के प्रयास से ये सारे काम अभी हमारे इस
डोडा में और पार्लियामेंट्री उम्र कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने बहुत सारे काम करवाए हैं और मैं उम्मीद करूंगा आगे भी डॉक्टर साहब बहुत चिंतित हैं। अभी मैं कल उन्होंने एक ब्रिज के इनॉग्रेशन की भद्रवा पनेजा में जिसका करोड़ों रुपए से उसका निर्माण किया गया था और कल वो उन्होंने उसके इनॉग्रेशन की और उससे सीधा भद्रवा और बन्नी को बिसोली को फायदा हो सकता है, यहाँ से लोग बड़े शॉर्ट रास्ते से वहां पे जा सकते हैं। तो अभी उसके बाद जो अभी 370 पिछले साल 5 अगस्त को जो यहाँ पे फैसला आया था, मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इस 370 करोड़ को तोड़ने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया। और प्रदेश की जो हमारी अध्यक्ष है महामंत्री संगठन अशोक कौल जी है जिन्होंने सबने मिलकर इसके लिए प्रयास किया और डॉक्टर साहब ने दिल्ली में पूरी लड़ाई लड़ी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत शुक्रगुजार है, आदरणीय गृह मंत्री जी अपने अमित शाह जी अपने जेपी नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हम इन सबके बहुत बहुत शुक्रगुजार है। और डॉक्टर साहब के प्रयास से 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर में एक नई डेवलपमेंट शुरू हो गई। आज के डेट में यहाँ पे मिलिटेंसी का खात्मा करना जो था वो भी 370 के बाद सारा कुछ हो गया। आज हम देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर कितनी तेजी से मिलिटेंट मर रहा है और उसमें सारा जो प्रयास था डॉक्टर साहब का था कि भाई 19 में जम्मू कश्मीर का भी इंचार्ज डॉक्टर साहब को रखा था। हर जगह पे उन्होंने रात दिन हमसे टेलीफोनिकली कभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हर जिले का हाल पूछा और जो जो भी हमने उनसे प्रयास किया कि डॉक्टर साहब यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है और उन्होंने एकदम से उसको सेकंडों में ही पूरा करने की कोशिश की और सारी डेवलपमेंट यहाँ पे अच्छी हो रही है। मैं डॉक्टर साहब से यही प्रार्थना करूंगा कि आने वाले टाइम में भी कुछ प्रोजेक्ट हमारे जो बंद पड़े हुए हैं तो उनको भी जल्दी से जल्दी चालू करवाएं। रोडों का जाम बिछा दिया है, बहुत सारे रोड है उन्होंने बढ़ा दिया, मुझे लगता है कि बहुत कम रोड है जो हमारे इस जिला डोडा में बनने वाली है। अब बड़ी बड़ी रोडों में तो उन्होंने पैसा सैंक्शन करवा दिया लेकिन छोटी छोटी रोड है जो एक गांव से दूसरे गांव को कनेक्ट करेगी तो मैं प्रयास करूंगा कि डॉक्टर साहब उसमें भी ध्यान देंगे और उन्होंने बहुत बारीकी से इस जिला डोडा को देखा हुआ है और हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। मेरे साथ आज महामंडल के प्रधान राकेश जी और हमारे कार्यालय मंत्री बाबूराम जी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया।